नमस्कार, आप देख रहे हैं इंग्लिश ट्यूटोरियल्स। आशीष सर, मैं हूं आशीष, और इस सेशन में हम बात करेंगे डेली रूटीन के कुछ सेंटेंसेस की। देखिए, हो सकता है आप इंग्लिश बोल पाते हो, या फिर हो सकता है कि इंग्लिश आपको नहीं आती हो। दोनों ही स्थितियों में आपको ये सेशन बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश बोलनी आती है लेकिन आप इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलने में हिचकते हैं, आपको लगता है कि शायद ऐसा बोलूं या फिर इस प्रकार से बोलूं, आप थोड़ा कश्मकश में रहते हैं, तो ये पूरी कश्मकश आपकी कंप्लीट यहां पे दूर हो जाएगी। ये सेशन आपको अंत तक ज़रूर देखना है, क्योंकि आपको बहुत सारी फ्रेजेज और बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेजेज इनफैक्ट मिलने वाली हैं। तो सबसे पहली फ्रेज देखिए यहाँ पे है, बहकी बहकी बातें मत करो। काफ़ी बार हम बोल देते हैं, काफ़ी बार आपके साथ जो बातचीत करता है व्यक्ति, और कई बार लगता है आपको कि ऐसी बातें कर रहा है जो नॉनसेंस बातें हैं, उसके लिए आप कहते हैं बहकी बहकी बातें मत करो। तो क्या बोलेंगे आप? डोंट टॉक एब्जर्ड थिंग्स, डोंट टॉक एब्जर्ड थिंग्स। नंबर टू पे, वह तुम्हें नहीं सताएगा। देन यू हैव टू से ही विल नॉट परसिक्यूट यू, ही विल नॉट परसिक्यूट यू। वह तुम्हें नहीं सताएगा, वह तुम्हें परेशान नहीं करेगा। नंबर थ्री, हार मत मानो। तो देखिए, रूटीन के सेंटेंसेज है, ऐसा हम अक्सर बोलते रहते हैं, हार मत मानिए, तो डोंट गिव अप। और आप मूवीज वगैरह में भी ये स्टेटमेंट तो सुनेंगे, डोंट गिव अप। नंबर फोर पे है, तुम्हारी छोटी सोच है। देन यू हैव चीप मेंटालिटी, यू हैव चीप मेंटालिटी। आपकी सोच बहुत छोटी है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? यू हैव चीप मेंटालिटी। नंबर फाइव, उसने मुझे गुस्सा दिलाया। देन यू हैव टू से ही मेड मी एंग्री, ही मेड मी एंग्री, उसने मुझे गुस्सा दिलाया। नंबर सिक्स पे है, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। तो आपको बोलना होगा आई डिडेंट स्पीक एनी रॉन्ग, आई डिडेंट स्पीक एनी रॉन्ग, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। नंबर सेवन पे है, यह तुम्हारी औकात के बाहर है। औकात के बाहर मतलब आप ये काम कर नहीं सकते हैं। ऐसा कई बार बोला जाता है कि जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के साथ इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं और आप इंग्लिश में ही अटकते हैं, हेजिटेट होते हैं, आप फ्लुएंट नहीं बोल पाते हैं, तो आपके सामने वाला बंदा बोलता है कि भैया तेरे वश की बात नहीं है। तो वश में नहीं है, तुम्हारी औकात के बाहर है, तो इट्स बियॉन्ड योर कैपेसिटी, इट्स बियॉन्ड योर कैपेसिटी। नंबर एट पे है, तुम अपने आप को क्या समझते हो। ये बहुत बार आप बोलते होंगे, या आपको किसी ने बोला होगा, अपने आप को समझते क्या हो भैया, तो व्हाट डू यू टेक योर सेल्फ, व्हाट डू यू टेक योर सेल्फ। नंबर नाइन पे, मैंने उसे सिर पर चढ़ा लिया है। तो देखिए, कई बार कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा आपसे खुल जाता है कि वो अनाप शनाप कुछ भी बोले जाता है, आपको वो चीज़ें रबिश लगती हैं, और आपको पूछता है इतना क्यों बोलने देते हो इसको, तो आप बोलेंगे कि मैंने उसे सिर पर चढ़ा लिया है। तो आप बोलेंगे आई पैम्पर्ड हिम, मैंने उसे सिर पर चढ़ा लिया है, आई पैम्पर्ड हिम। नंबर टेन, बहकी बहकी बातें मत करो, ये एक बार रिपीट हो गया है, सो बहकी बहकी बातें, डोंट टॉक अब्जर्ड थिंग्स। यहाँ पे एक और बता देता हूँ, खैर नया स्लाइड है तो आप नई चीज़ सीख लीजिए, बहकी बहकी बातें मत करो, डोंट टॉक रबिश, डोंट टॉक नॉनसेंस भी आ सकता है, डोंट टॉक रबिश भी आ सकता है, ठीक है, तो डोंट टॉक रबिश या डोंट टॉक नॉनसेंस। नंबर इलेवन, वह उसे भाव नहीं देती है, तो शी गिव्स हिम कोल्ड शोल्डर। वह उसे भाव नहीं देती है, इसका मतलब वो उसकी बातें नहीं सुनती है, वो उसको तवज्जो नहीं देती है, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देती है, तो शी गिव्स हिम कोल्ड शोल्डर। नंबर ट्वेल्व, वह निकम्मा है, निकम्मा है मीन कोई काम का नहीं है, तो ही इज़ गुड फॉर नथिंग, ही इज़ गुड फॉर नथिंग। तो ये कुछ फ्रेजेज हैं जहाँ पे आप एग्जैक्ट अर्थ निकालते हैं तो शायद आपको परेशानी आती है कि निकम्मा शब्द जो पर्टिकुलर है उसके लिए हम इंग्लिश का कौन सा वर्ड यूज़ करें, लेकिन ही इज़ गुड फॉर नथिंग, ये फ्रेज आपको आती हो गुड फॉर नथिंग, तो आप बना सकते हैं। नंबर थर्टीन है, अनुज मेरा लंगोटिया यार है। लंगोटिया यार मतलब बचपन का मित्र, तो अनुज इज माई चम, तो चम का मतलब होता है लंगोटिया यार होना, बचपन का मित्र होना। नंबर फोर्टीन, मुझे सड़क के उस पार जाना है, तो आई हैव टू गो अक्रॉस द रोड, आई हैव टू गो अक्रॉस द रोड। नंबर फिफ्टीन, कहना आसान है करना मुश्किल है। जैसे मैं कह दूँ कि भाई इंग्लिश जो है फटाफट आ जाएगी, कुछ ही क्षणों में आ जाएगी आपको इंग्लिश बोलनी, तीन दिन में आप इंग्लिश सिखा दूंगा, तो ये कहना आसान है करना बहुत मुश्किल है, तो ईजियर सेट देन डन, ईजियर सेट देन डन। नंबर सिक्सटीन, चाहे कुछ भी हो जाए, काफ़ी बार बोलते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंग्लिश सीख कर रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए वह यहाँ आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं मेरी कैपेसिटी एक्सपोज करूंगा, तो कम वॉट में, तो चाहे कुछ भी हो जाए कम वॉट में, और आगे का सेंटेंस आप जोड़ देंगे जैसी भी सेंटेंस की आवश्यकता है। नंबर 17, शुक्र है पीछा छूटा। काफ़ी बार आप परेशान हो जाते हैं किसी के साथ से कि कोई व्यक्ति स्टिकलर टाइप है, चिपकू टाइप व्यक्ति है, उससे आप परेशान हैं और आप कहते हैं कि वो चला गया, तो आप कहेंगे शुक्र है भाई पीछा छूट गया, तो गुड रिडन्स, गुड रिडन्स, शुक्र है पीछा छूटा। बस रहने दो, तो ये भी काफ़ी बार हम सुनने में आता है मूवीज़ वगैरह में, सीरियल्स में, वेब सीरीज़ में, कहीं पर भी आप देखते हैं, बस रहने दो, बस करो यार, तो दैट्स एनफ, दैट्स एनफ। नंबर 19, बक बक मत करो, डोंट स्टॉप प्रैटल,
डोंट प्रैटल भी कह सकते हैं, स्टॉप प्रैटल भी कह सकते हैं, बक बक मत करो। लाइट जली रहने दो, ये भी काफ़ी बार हम घरों में यूज़ करते हैं, कीप लाइट ऑन, लाइट जली रहने दो, कीप लाइट ऑन। खाली मत बैठो, देन डोंट सिट आइडल, खाली मत बैठो, डोंट सिट आइडल। लोग ऐसे क्यों होते हैं, वाई आर पीपल सो, लोग ऐसे क्यों होते हैं, वाई आर पीपल सो। नंबर 23, मैं इसी काम के लिए बना हूँ, ये भी काफ़ी बार बोलते होंगे आप, कि भाई आपसे कोई पूछे कि भैया आप ये काम कर सकते हो क्या, और आपका जवाब हो भैया मैं तो बना ही इसी काम के लिए हूँ, तो आई एम मेंट ओनली फॉर दिस, आई एम मेंट ओनली फॉर दिस। नंबर 24, छी छी, ये जैसे आपको कोई चीज़ बहुत ही बकवास लगे और आपको लगे कि ऐसी बात आपने कैसे मुंह से निकाल दी, कोई व्यक्ति आपसे बोल रहा है और उसने कुछ घटिया शब्दों का इस्तेमाल कर दिया और आपने सुनते ही आपका एक एक्सप्रेशन, एक एक्सक्लेमेशन आता है कि भैया ऐसे कैसे बोल दिया आपने, कितना खराब बात बोल रही है, तो हाउ डिसगस्टिंग, छी छी हाउ डिसगस्टिंग, कितने दुख की बात है, वॉट अ पिटी, वॉट अ पिटी। नंबर 26, कितने अपमान की बात है, देन यू हैव टू से हाउ डिसग्रेसफुल, हाउ डिसग्रेसफुल। नंबर 27, ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये भी काफ़ी बार सुनते हैं आप, तो हाउ डेयर यू से दैट, हाउ डेयर यू से दैट, ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। नंबर 28, मजाक मत करो, तो डोंट कट जोक्स, मजाक मत करो, डोंट कट जोक्स। अंत तक सेशन देखना है, बने रहिएगा, तभी तो आपको ये चीज़ें आएंगी, और आप रूटीन में अगर आप ये सेंटेंसेस बोलते हैं तो बिल्कुल इम्प्रेसिव आपका कॉन्वर्जेशन होगा और आप कॉन्फिडेंट भी रहेंगे कि हाँ मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। पागल मत बनो, डोंट बी सिली, पागल मत बनो, डोंट बी सिली। नंबर 30, जुबान पर काबू रखो, ये बहुत बार सुनने में आता है, तो होल्ड योर टंग, जुबान पर काबू रखो, होल्ड योर टंग। मुझे डर लग रहा है, आई एम गेटिंग स्केयर्ड, आई एम गेटिंग स्केयर्ड। और एक बात और है कि आप ये फ्रेजेस देखकर कोई मूवी देखते हैं, कोई वेब सीरीज देखते हैं, तो आपको ये स्टेटमेंट्स नज़र आएंगे वहाँ पे, वहाँ आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल सातवें आसमान पर होगा, क्योंकि आपको पहले से आता होगा, आप समझेंगे उन चीज़ों को, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। मुझे बहुत डर लग रहा है, आई एम गेटिंग प्रिटी स्केयर्ड, आई एम गेटिंग स्केयर्ड, मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, आई एम गेटिंग प्रिटी स्केयर्ड, वेरी स्केयर्ड भी कह सकते हैं आप। 33, इस पर एक नज़र डालिए, हैव अ लुक ऑन इट, जैसे मैं कहूँ इस स्लाइड पर एक नज़र डालिए, तो हैव अ लुक ऑन इट। 34, उसने मुझे आँख मारी, तो ही विंग्ड एट मी, विंग्ड एट मी। तुम क्यों शर्मा रहे हो, वाई आर यू ब्लशिंग, तुम क्यों शर्मा रहे हो, वाई आर यू ब्लशिंग। कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, लुक्स लाइक समथिंग फिशी, दाल में कुछ काला है, ऐसा भी बोलते हैं हम कई बार, गड़बड़ सी बात लग रही है, तो लुक्स लाइक समथिंग फिशी। 37, क्या तुम्हें चोट लगी, डिड यू गेट हर्ट, डिड यू गेट हर्ट। नंबर 38, मुझे भूख लग रही है, आई एम गेटिंग हंग्री, आई एम गेटिंग हंग्री। हर कोई तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है, वाई इज़ एवरी वन आफ्टर यू, हर कोई तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है, तो वाई इज़ एवरी वन आफ्टर यू, आप यूँ बना सकते हैं कि मेरे पीछे क्यों पड़ा है, तो वाई इज़ एवरी वन आफ्टर मी, उसके पीछे क्यों पड़ा है, तो वाई इज़ एवरी वन आफ्टर हिम और हर। नंबर 40, मुझे धमकी मत दो, डोंट थ्रेटन मी, डोंट थ्रेटन मी। तो ये 40 फ्रेजेज हमने सीखी है और आपको बिल्कुल पसंद आया होगा सेशन, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए पसंद अगर आपको आया है सेशन। मिलते हैं जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।